नागदा में पंचायत परिसर में एसडीओपी बदनावर जैन सिंह राठौर, नायब तहसीलदार महेंद्र सिंह चौहान, थाना प्रभारी कानवन की उपस्थिति में आगामी पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। एसडीओपी राठौर ने सभी उपस्थित लोगों से आगामी पर्व को भाईचारे के साथ मिलकर मनाने की बात कही। साथ ही ग्राम पंचायत को दिशा निर्देशित किया कि पर्व को देखते हुए व्यवस्थाओं को लेकर तमाम परेशानियों को दूर करने का कार्य करें। ग्रामीणों ने सर्विस रोड पर हो रहे बेतहाशा अतिक्रमण, स्ट्रीट लाइट के साथ ही नागदा में पुलिस चौकी की मांग की गई। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि गोवर्धन राठौर, सरपंच नितिन सांकला, ग्राम पंचायत मनासा सरपंच कपिल यादव, पूर्व दुग्ध समिति अध्यक्ष राजेश पटेल, शंकरलाल चौहान, राहुल सांकला, प्रेस क्लब अध्यक्ष अशोक सोलंकी सहित नगर के गणमान्य उपस्थित थे। नागदा से जितेंद्र बाटी की रिपोर्ट। रखते हुए यहाँ नागदा में एक शांति समिति की बैठक रखी गई थी। इसमें शांति समिति के सदस्यों के साथ साथ यहाँ के नागरिकों ने भी भाग लिया। हमारी तरफ से जो नागरिकों से अपेक्षाएँ हमने वो बताई, तथा जो नागरिकों को पुलिस एवं प्रशासन से जो अपेक्षा है उसके बारे में चर्चा हुई है। और नागदा कस्बा अच्छा कस्बा है, सभी ने आपसी सद्भाव एवं सहयोग से आगामी त्यौहार मनाने का वादा किया है। तो आगे आने वाले त्यौहार यहाँ अच्छे से मनाए जाएंगे, ऐसी मुझे विश्वास है। पुलिस प्रशासन आगामी त्यौहारों को लेके लिए किस तरह सचेत है? पुलिस प्रशासन आगामी त्यौहारों के लिए पूर्णतः सचेत है। यहाँ पे भ्रमण किया जा रहा है, टीआई साहब यहाँ लगभग प्रतिदिन यहाँ दौरा करते हैं, और भी जो गांव यहाँ के संवेदनशील है उसमें प्रतिदिन टीआई साहब का भ्रमण हो रहा है। क्योंकि वो भी नए हैं और मैं भी यहाँ अभी अभी पदस्थ हुआ हूँ, तो मेरे द्वारा भी ये प्रयास किया जा रहा है कि सभी गाँवों का मैं अच्छे से भ्रमण कर लूँ, कि आगे आने वाले 2-3 महीने पुलिस के लिए काफ़ी चैलेंजिंग है, जिसमें त्यौहार एवं आगामी चुनाव है, उसको लेके हम सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। और सभी जगह एक संदेश और दिया जा रहा है कि अगर कोई भी विघ्न संतोषी तत्व सामाजिक त्यौहारों को बिगाड़ने या किसी भी प्रकार की बाधा डालने का प्रयास करेगा, उसको बहुत ही सख्ती से उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी।